हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ बीटल के बारे में, यानी कि पान के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसे मैं कटिंग से लगाई थी, तो लगभग 2 महीने 10 दिन पहले मैं इसे लगाई थी। तो उसमें मैं 5 कटिंग्स लगाई थी, लेकिन 3 कटिंग्स हुए और 2 खराब हो गए। तो 3 कटिंग्स में से 2 में तो बहुत सारे लीव्स हैं और वो लंबे भी हो गए हैं। तो नीचे से कुछ लीव्स से जो खाली दिख रहे हैं उसे मैं तोड़ चुकी हूँ। तो लगभग अभी तक मैं इसमें से बहुत सारे लीव्स तोड़ चुकी हूँ। इसमें से मैं तीज में भी तोड़ी हूँ, जितिया में भी तोड़ी हूँ, अभी नवरात्रि में भी तोड़ी हूँ। नवरात्रि में तो मुझे कुछ बाहर से भी लाने पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने जा रही हूँ कि माँ दुर्गे को फूल के अलावा एक और कौन सी वो चीज़ है जो बहुत ही पसंद है। तो माँ दुर्गे को फूल के अलावा पान भी बेहद ही पसंद है। तो हमें रोज़ 1 पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए माँ दुर्गे को, और उसके साथ 1 कसैली और लौंग और इलायची ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट अगर घर में होते हैं तो बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर से ही काम चल जाता है और ऐसे 1 रुपये पीस मिलता है। लेकिन नवरात्रि के समय यही 2 रुपये पीस मिलता है। और फ्रेंड्स, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि पान घर में लगाना शुभ माना जाता है। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि पान खाने के कुछ फ़ायदे भी हैं। कुछ लोग खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं भी पसंद करते हैं। इसका चलन तो राजाओं महाराजाओं के समय से ही चलते आया है, लेकिन नवरात्रि में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अभी प्रतिदिन हम लोग 1 पान के पत्ते के साथ कसैली, लौंग और इलायची चढ़ाते हैं, माँ को अर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, माँ दुर्गे को फूल के बाद यही वो चीज़ है जो कि बहुत ही पसंद है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मेरे इस चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।